ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैनपुरी के ग्राम आठपुरा के निवासी ने अपने गांव के सरकारी राशन डीलर पर सही ढंग से राशन को नहीं बांटने का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक राशन डीलर सरकारी राशन को ब्लैक में बेचता है। जिला पूर्ति अधिकारी को इस बारे में बताया गया तो उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि अगर किसी को राशन नहीं मिला है और इस तरह की कोई समस्या है तो उसे तुरंत दूर करने की कोशिश की जाएगी। क्या हमारे गांव के जो राशन डीलर हैं सूरजपाल सिंह साख, वो राशन सही तरीके से नहीं बांटते हैं और जो बंटवाने के लिए अधिकारी आते हैं तो वो रुपए लेकर, मतलब रिश्वत के रूप में लेकर, और राशन जैसे चीनी है, मिट्टी का तेल है, वो साथ लेकर जाते हैं और राशन को अच्छी तरीके से नहीं बंटवाते, चले जाते। फिर उसके बाद जो राशन डीलर हैं वो अपने हिसाब से बांटते हैं, ब्लैक करते हैं, ब्लैक करते हैं। और मिट्टी का तेल है वो सरकारी रेट है, 16 रुपये लीटर बटना चाहिए तो वो 20 रुपये लीटर देते हैं। और गेहूँ है, गेहूँ बताया कि 3 रुपये किलो मिलता है तो 5 रुपये किलो देते हैं, और चावल भी 3 रुपये किलो देते हैं। तो सर ये गुजारिश है हम सभी गाँव वालों की, जिन लोगों का राशन कार्ड नहीं बना हुआ है उन लोगों का राशन कार्ड बनना चाहिए, और जिस तरीके से जिस लोगों का राशन कार्ड का हक है और यूनिट और जिस व्यक्ति का यूनिट के हिसाब से है तो उसमें यूनिट के हिसाब से नहीं दिया जाता है। एक यूनिट पे 5 केजी राशन मिलता है तो उसमें 2 केजी या 3 केजी ही देते हैं, पूरा राशन नहीं देते हैं। क्या नाम है डीलर का? डीलर का नाम सूरजपाल सिंह साख। कब से ये डीलर है? ये सर 1999 से मतलब ब्लैक हो जाता, कालाबाजारी हो जाती है। हाँ सर, कालाबाजारी हो जाती है, रात में सर ब्लैक करते हैं। हमने कई बार देखे हैं, अधिकारी लोग आते हैं वो घुस लेकर चले जाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? सर तुम्हारा क्या नाम? हमारा नाम सुधीर कुमार पाल है। तुम्हारे पास राशन कार्ड है? हाँ सर, राशन कार्ड है लेकिन हमको राशन नहीं दिया जाता है। कौन सा राशन कार्ड? वो APL है सर। उस पर मोहर लगी? हाँ सर, हाँ सर, पुराना है सर, मोहर लगा सब कुछ लगी। नहीं, अभी जो अभी आपको अधिकारियों ने बताया था कि गेस्ट आश्रम वाली वो लगी है, मोहर वो लगी है। वो सर हम जाते हैं तो सीधा मना कर देते कि आपका सूची में है ही नहीं, जबकि मैं नेट पे देखता हूँ तो मेरा राशन कार्ड चढ़ा हुआ है उसके, लेकिन हमको राशन नहीं देते हैं। ये जो गांव है आठपुरा, इसमें ग्रामीणों का ये कहना है कि गांव के जो राशन डीलर हैं वो ब्लैक कर देते हैं और घटतौली करते हैं, पैसा बढ़ा के लेते हैं। क्या कार्रवाई की जाएगी इस तरह की? जो भी कोई समस्या हमारे सामने आती है, मैंने अभी मेरे भी ये चीज नॉलेज में जैसे आई है तो मैंने ग्रामवासियों को कहा है कि आप लिखित में अपनी एप्लीकेशन दीजिए, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे, चाहे घटतौली की हो या आपसे दाम ज्यादा लिया जा रहा है या किसी भी कारण से, अगर आप पात्र हैं और आपको राशन उतना पूरी मात्रा में सही मूल्य पर और सम्मान पूर्वक तरीके से नहीं दिया जा रहा है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी, इसका ऐसा मैं आश्वासन देता हूँ।